इस शरीर की तात्विक संरचना ऐसी है कि इस शरीर का 72% हिस्सा पानी है, 12% पृथ्वी है, 6% वायु है, 4% अग्नि है, बाकी आकाश है। For one to live well here, water plays the most important role. जीवन को अच्छी तरह से जीने में पानी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस शरीर का 72% हिस्सा पानी है और पृथ्वी का 72% हिस्सा भी पानी है। तो कुंभ या कुछ अक्षांशों या लैटिट्यूड्स पर नदियों के संगम का उपयोग करने के इस विज्ञान की खोज हुई। जीवन और हमारे आसपास की विभिन्न शक्तियाँ किस तरह कार्य करती हैं और हम कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, इसके गहन अध्ययन से ये खोज हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण और खास दिन है। इसे मौन अमावस्या कहा जाता है। लोग समझते हैं कि ये बहुत लाभदायक समय है। आमतौर पे वे उस दिन से लेकर महाशिवरात्रि तक मौन रहते हैं और वे ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहां जलाशय मिलते हैं, नदियां मिलती हैं और एक भंवर बनाती हैं ताकि सबसे ज्यादा असर हो। इसलिए वे नदियों के संगम में उस दिन डुबकी लगाना चाहते हैं। और जिस चीज की शुरुआत कुछ योगियों से हुई, उसे अब एक दिन में 4 से 5 करोड़ लोग करते हैं। यह धरती की सबसे विशाल घटना है। अगर आप वहां जाकर देखें तो आप भारत को देखेंगे, एक अलग आयाम का भारत। लोग अपनी बचत का एक एक पैसा लगाकर कहां कहां से बस 2 दिनों के लिए वहां जाते हैं, क्योंकि किसी ने उनको बताया है कि अगर उस दिन आप डुबकी लगाएंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज भी इस देश में 80 करोड़ लोग सक्रिय रूप से जाने अनजाने में मुक्ति की इच्छा रखते हैं। ये एक अविश्वसनीय बात है। धरती पर कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है कि इंसान अपने अस्तित्व के वर्तमान स्तर से आगे जाने की गहरी सचेतन इच्छा रखते हों। जब बात इंसान के भीतरी सिस्टम की आती है तो दुनिया में और कहीं भी लोग ऐसे गहन समाधान नहीं दे सकते जैसे भारत दे सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें हमने लगभग 8 से 10 हजार वर्षों से अपने समय, जीवन और ऊर्जा का निवेश किया है और ये ज्ञान पाया है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम विश्वास करते हैं। हमने ये फिलॉसफी नहीं बनाई। ये ऐसी चीज है जिस पर हमने करीब से गौर किया, उसको समझा और इस तक पहुंच बनाने के साधन तैयार किए। ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि ये कुंभ मेला दुनिया को इस संभावना के प्रति जागृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाए। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।